बिहार की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस समय का क्या है, कुछ अंदाजा है? मतलब उस पे क्या होगा सर? देखिए, बिहार हम संविधान की बात करते हैं तो किसी भी दल को अपना नेता चुनने का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल को है। दावा आप पेश कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल ने ही चुनना है। तो ऐसा विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार किसी पार्टी के प्रेसिडेंट को नहीं, जैसा नीतीश कुमार ने किया कि उन्होंने विधायक दल की बैठक बुला ली। विधायक दल की बैठक को बुलाने का अधिकार उनको है नहीं। विधायक दल की बैठक को बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री ने बुलाना था। इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो कोई पार्टी का अध्यक्ष अपने विधायकों को बुलाए और बुलाने के बाद दावा पेश करे, वो कर सकता है। ऐसा करने के लिए किसी को मना नहीं किया, वो कर सकता है। लेकिन संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक स्थिति ये है कि जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पर बैठा है, आपको अगर याद हो कि एक समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह वर्सेस जगदम्बिका पाल हो गया था, अचानक कल्याण सिंह की सरकार गिराकर जगदम्बिका पाल की सरकार बना दी गई थी, और कल्याण सिंह को अपना बहुमत सिद्ध करने का समय नहीं दिया था, जबकि वो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री थे, और उनके कुछ जो सहयोगी दल थे, सहयोगी दलों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल को बोल दिया कि भाई हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसा राज्यपाल के पद जब आया तो राज्यपाल ने दूसरा दावा पेश करने वाले को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। राज्यपाल के इस मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने को उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उन्होंने कहा ये असंवैधानिक है, क्योंकि किसी को भी सिद्ध और असिद्ध करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पटल पर है। राज्यपाल के घर पर या राज्यपाल का घर विधानसभा नहीं हो सकती। तो राज्यपाल का इतना दायित्व है कि जो मुख्यमंत्री है इस समय उसका अगर अल्पमत में आ गया है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में आना चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद तब सरकार गिरेगी। सरकार जब गिर जाएगी तब नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने का अधिकार राज्यपाल को रहता है। तो वही वन थर्ड वोटिंग, वन थर्ड अलग चीज होगी। सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में मतलब है कि एक मुख्यमंत्री की सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे, उसके ही दल के विधायक नहीं कर रहे और कहते हैं कि सरकार गिरा देनी चाहिए। अगर उसके दल के विधायकों ने ऐसा कर दिया तो राज्यपाल की यह जिम्मेवारी बनती है कि राज्यपाल पहले उसको पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करने का समय दे। बहुमत राज्यपाल के घर पर सिद्ध नहीं होगा, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम राज्यपाल के घर पर परेड करवा देंगे, राजभवन में परेड करवा देंगे। राजभवन परेड करने के लिए नहीं है। बहुमत सिद्ध और असिद्ध करने के लिए विधानसभा है। विधानसभा में मांझी के खिलाफ, जो इस समय का मुख्यमंत्री है, उस मांझी के खिलाफ आपने अविश्वास प्रस्ताव लाना है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद उसकी सरकार को गिराना है। सरकार गिरने के बाद तब अपना दावा पेश करना है। ऐसे ही सीधे जाकर दावा पेश करना यह संवैधानिक नहीं है। और बिहार में इस समय जंगल राज्य चल रहा है तो कुछ भी संवैधानिक वो सोच सकते हैं। नीतीश कुमार जैसा वरिष्ठ नेता, लालू प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ नेता, ये तो ऐसा कदाचित इनको नहीं करना चाहिए। उनको अगर कुछ भी सिद्ध करना है तो अविश्वास प्रस्ताव वो सदन में ला सकते हैं कि सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार अल्पमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लाइए, सरकार गिरा दीजिए। सरकार गिराने, इवन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद, अविश्वास प्रस्ताव जब आ जाएगा तो उस प्रस्ताव को पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। फिर भी राज्यपाल का यह दायित्व तो बनना चाहिए कि मुख्यमंत्री को एक मौका दे ताकि वो अपना बहुमत सिद्ध कर सके। मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए सदन बुलाना है। सदन बुलाने के बाद वो अपना वोटिंग करवानी है। वोटिंग करवाने के बाद भी अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता तो सरकार
गिर जानी चाहिए और नए मुख्यमंत्री को राज्यपाल अपने विवेकानुसार, किसी के दावे के आधार पर नहीं, अपने विवेकानुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री बुला सकता है, फिर मुख्यमंत्री के कहने पर वो मंत्रिपरिषद की शपथ दिलवा सकता है और फिर उस नए मुख्यमंत्री को पटल में अपनी मेजोरिटी सिद्ध करने का समय दे सकता है। सर, ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी सिद्ध हो गई है और जो दल है उसमें एक अपना मुख्यमंत्री चुनता है, पर गवर्नर को लगता है कि ये नहीं, कोई और होना चाहिए, तो उसको मुख्यमंत्री बना? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नर सोल अथॉरिटी नहीं है। विधायक दल का जो नेता है वो दावा पेश करता है, मुख्यमंत्री एनालिसिस, राज्यपाल एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद लेकिन व्यक्ति विशेष को मना नहीं कर सकता। जिसके साथ बहुमत है उसके व्यक्ति विशेष को मना नहीं कर सकता कि ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। मना अगर कर सकता है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में के तहत कोई डिफेक्शन हो तो राज्यपाल कह सकता है कि ये डिफेक्शन है, इसको मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलवाई जानी चाहिए, ये मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। जैसे बी आर कपूर का केस हमारे सामने आया था, तमिलनाडु में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का मामला फंसा था, जयललिता को 2 वर्ष की सजा हो चुकी थी, उसके बावजूद वहां के राज्यपाल ने उनको शपथ दिलवा दी। तो राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है, लेकिन राज्यपाल का विवेकाधिकार सोल नहीं होता, वो भी संविधान के मातहत ही होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस आया, लोगों ने, वहां के एडवोकेट जनरल ने प्ली किया, उन्होंने कहा साहब जब वहां की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जयललिता को, तो बाकी किसको क्या दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह देश संविधान से चलता है, ये देश जनता से नहीं चलता। जनता की विशेष अगर है तो सबसे पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आए, हाउस में संविधान में संशोधन करें, संविधान में संशोधन करने के बाद पावर एक्वायर करें, पावर एक्वायर करने के बाद उसके अनुसार कार्य करें। लेकिन जब तक संविधान है तब तक डायरेक्ट कहीं से रूलिंग नहीं हो सकती, जब भी रूलिंग होगी तो संविधान से ही रूलिंग होगी। तो आज की जो बिहार की परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार जतिन राम मांझी को, मुख्य वहां के राज्यपाल को पूरा मौका देना चाहिए ताकि वो अपना बहुमत पटल पर सिद्ध कर सकें। बहुमत सिद्ध नहीं होता तो फिर जिसने भी दावा पेश किया है उसके लिए वो विचार कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल, आपको याद होगा बिहार का ही मामला है, बिहार में बूटा सिंह उस समय बूटा सिंह वहां के राज्यपाल हुआ करते थे और उन्होंने इसी तरह की कोई एक्टिविटी पहले की थी, उसको लेकर बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। कांग्रेस केंद्र में बैठी थी, कांग्रेस के कहने पर, चूंकि कांग्रेस के वो राज्यपाल थे, उनके कहने पर उन्होंने बहुमत जो मेजोरिटी दल था उसको डिप्राइव करते हुए माइनॉरिटी दल को इन्वाइट कर लिया था, माइनॉरिटी दल की सरकार बना दी। सरकार बनने के बाद सरकार अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई, तो उस बात को लेकर पूरे देश ने क्रिटिसाइज किया कि राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका अधिकार है कि वो बुलावे, लेकिन उसका अधिकार पटल पर है, उसका अधिकार सिर्फ इतना है कि किसी को इनवाइट कर ले, लेकिन उसका अधिकार इतना नहीं है कि वो किसी को बर्खास्त कर दे। बर्खास्त, सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अगर सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है बिना पटल में जाए, बिना हाउस में जाए, तो राज्यपाल को चाहिए कि अनुच्छेद 200 के तहत वो एक रिपोर्ट बनाए, वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे, प्रेसिडेंट को दे, प्रेसिडेंट उस पर कंसीडर करे, कंसीडर करने के बाद सरकार वहां गिरावे और अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र उस सरकार को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन परिस्थितियां 356 की बननी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर वहां का बिगड़ गया है या अब सरकार के बस में कंट्रोल करना नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तभी राज्यपाल को अधिकार बनता है कि वो सरकार को गिरवा सके। वो भी गिरा नहीं सकता, वो गिरवा सकता है, केंद्र को रिकमेंड कर सकता है, केंद्र का यानी कि प्रेसिडेंट का सोल डिस्क्रिशन होता है। इसलिए सरकार इस समय जतिन राम मांझी की है और मांझी की सरकार को गिराने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल उसको पहले बहुमत सिद्ध करने का मौका दे, भले ही वहां की असेंबली में अगर 500 सीटें हैं तो पूरे 500 विधायक उसके अगेंस्ट में राज्यपाल के सामने पेश हो जाएं और कहें कि साहब हम इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। फिर भी संवैधानिक तरीका यह है कि पटल में सिद्ध होना चाहिए, ना कि राज्यपाल के घर पर। तो पटल पर बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी प्रोसीडिंग चलती है, उस प्रोसीडिंग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सरकार गिरनी चाहिए, राज्यपाल के घर से सरकार नहीं गिरनी चाहिए। और ऐसा उम्मीद है कि वहां के राज्यपाल के सामने आज
दावा पेश करने जाएंगे शायद, पेश करेंगे। लेकिन राज्यपाल का यह दायित्व तो बनता है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पहले जतिन राम मांझी को पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करने का समय दे। राज्यपाल कौन सी पार्टी के? पार्टी से राज्यपाल का मतलब नहीं है, वो संवैधानिक पोस्ट है, किसी भी पार्टी का हो उससे मतलब नहीं। वो कौन सी पार्टी का था, आज की तारीख में भारत का प्रेसिडेंट किस पार्टी से था, उससे मतलब नहीं है। आज की तारीख में वो एक संवैधानिक पोस्ट पर है और वो सोल अथॉरिटी है, एक सोल अथॉरिटी। प्रेसिडेंट एक सोल अथॉरिटी, सोल कॉर्पोरेट होता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी सोल कॉर्पोरेट होता है, वो इम्यून है अब सब पार्टी सिस्टम से, वो इम्यून है अब कोर्ट के सिस्टम से, वो अब सबसे परे है इस समय। इसलिए अब वो इस संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए उसने क्या करना है, उसने चित्रगुप्त के दरबार में बैठा है, अब उसने न्याय और सिर्फ न्याय करना है संविधान के अनुसार। बाकी जितने दावे हैं, अगर नीतीश कुमार जी जैसे इतने बड़े अनुभवी नेता ऐसा विचार करते हैं कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री बनने के योग्य भी हैं पुनः। क्योंकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो तो यही है कि सदन में आपने अविश्वास प्रस्ताव लाना था, ना कि राज्यपाल के घर में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब राज्यपाल के पास खुद विधानसभा अध्यक्ष भेज देगा। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष भी मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने भी पार्टी दल का नेता घोषित कर दिया बिना सदन बुलाए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री यानी कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन एक ही कड़ी हो सकते हैं? लेजिस्लेशन यानी कि विधानसभा अलग चीज हो गई और सरकार अलग चीज हो गई। सरकार का सीधा संबंध राज्यपाल से है, और यहां पर विधायक दल का नेता चुन लेना या उसको घोषित कर देना या उसको मान्यता दे देना वो अलग प्रक्रिया है, और सरकार के गिरने न गिरने की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। इसलिए अगर वहां का विधानसभा अध्यक्ष भी मिल जाता है तो भी संवैधानिक ये नहीं है कि वो दावा पेश करे, संवैधानिक ये है कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके बाद जो भी गणित लगनी है वो लगेगा।